ये दुनिया इतनी बड़ी और पुरानी है कि यहाँ पर मेगालोडॉन जैसे बड़े जीव से लेकर डायनासोर्स तक पास्ट में एग्जिस्ट करता था। और दूसरी तरफ आप ऐसे जीवों के बारे में भी सुने होंगे जो दिखने में जितना प्यारा लगता है हकीकत में उतना ही जहरीला और खतरनाक होता है। लेकिन आज मैं ऐसे जीवों के बारे में बात करने जा रहा हूँ जिसके बारे में शायद ही आपने पहले कभी सुना होगा, और हो सके तो वीडियो को एकदम लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि लास्ट वाला क्रिएचर सबसे कमाल का होने वाला है, बैरल आई फिश। इसे देख के आपको लग सकता है कि ये जीव बिल्कुल काल्पनिक है, लेकिन ये सच में एग्जिस्ट करता है। पैसिफिक ओशन में रहने वाली ये मछली अपनी लॉन्ग ट्रांसपेरेंट सर और सिलिंड्रिकल आई के कारण फेमस है। 2004 से पहले साइंटिस्ट को मालूम ही नहीं था उनके लॉन्ग ट्रांसपेरेंट हेड और सिलिंड्रिकल आई होने का कारण, लेकिन बाद में रिसर्च के दौरान पता चला कि इनके लॉन्ग ट्रांसपेरेंट सर से ये अपने चारों ओर क्या चल रहा है ये महसूस कर सकता है, और तैरते वक्त इनका सिलिंड्रिकल आई अपवर्ड डायरेक्शन में देख सकता है जो इनको 800 मीटर दूरी तक शिकार ढूंढने में मदद करता है। सीरियल लीफ बीटल। ये इंसेक्ट्स दिखने में तो एक ऑर्डिनरी ग्रासहॉपर जैसा ही लगता है, और बाकी इंसेक्ट्स की तरह इनके पास भी चमकीले विंग्स होते हैं, लेकिन सीरियल लीफ बीटल बाकी इंसेक्ट से काफी अलग है। ये अपने शरीर से एक जेली जैसा पदार्थ रिलीज करता है और यही जेली से निकलती हुई स्मेल इन्हें दूसरे जीवों से प्रोटेक्ट करता है। जाहिर तौर पर ये अपने यूनिक पैकेजिंग की वजह से सुरक्षित रहता है, और कोई भी जीव इनके शरीर से निकलते हुए दुर्गंध के कारण इनका शिकार करना पसंद नहीं करता। ब्राजीलियन ट्री हॉपर। अगर आप दुनिया भर के तमाम अजीबोगरीब क्रिएचर के बॉडी पार्ट्स को मिक्स करके एक नया क्रिएचर का शेप देंगे तो वो बिल्कुल एक मॉन्स्टर जैसा दिखेगा, और ब्राजीलियन ट्री हॉपर जैसा ही कुछ उसका नतीजा निकलेगा। एवोल्यूशन के कारण ये ट्री हॉपर देखने में इतना डरावना है कि कोई भी इनका शिकार करने से पहले दो बार सोचेगा। ब्राजीलियन ट्री हॉपर के सर के ऊपर स्फेरिकल शेप का कुछ बॉल्स होता है जो बिल्कुल एक टावर जैसा शेप लेकर पीछे की ओर जाता है, और ये इन्हें दूसरे जीवों से बचने में मदद करता है। घने जंगल में आप जितना डरावना दिखोगे आपके सर्वाइव करने का चांसेस भी उतना ज्यादा बढ़ जाएगा, और ब्राजीलियन ट्री हॉपर इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। हैगफिश। दुनिया में एग्जिस्ट करने वाली मोस्ट अनयूजुअल मछलियों में से एक है हैगफिश। इसे स्लाइम ईल के नाम से भी जाना जाता है। हैगफिश समुद्र की गहराई में रहता है और छोटे छोटे मछलियों का शिकार करता है। इसे नॉक्टर्नल यानी निशाचर टाइप के एनिमल्स की कैटेगोरीज में रखा गया है क्योंकि यह दिन में मिट्टी में छुप जाता है और रात को शिकार करने निकलता है। हैगफिश लहर की ऑपोजिट डायरेक्शन में धीरे धीरे आगे बढ़ता है ताकि कमजोर मछलियों का शिकार कर सके। मछलियों के दांत होने के कारण ये अपने बॉडी को टाई की तरह एक बंडल या पोटली का शेप देता है, और इसी शेप के कारण ये अपने शिकार के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव या प्रेशर क्रिएट करता है। हैगफिश की इन्हीं हरकतों के कारण इसे दुनिया के घिनौने जीवों में से एक माना जाता है। एसासिन बग्स। अगर आप एंटीक्यूट एनिमल्स का खोज कर रहे हैं तो आपको बता दूं एसासिन बग्स आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। वैसे तो यही एसासिन बग्स छोटे छोटे इंसेक्ट्स और उनके लार्वा को खाता है, लेकिन कुछ अलग प्रजाति के एसासिन बग्स भी होते हैं जो छोटे से लेकर बड़े मैमल्स तक के शरीर का खून पीता है। देखने में तो ये बहुत ही छोटा सा है, लेकिन ये किसी भी बड़े शिकारी से कम नहीं होता, और आप चाह के भी इन इंसेक्ट से छुप नहीं पाएंगे। ये दरअसल रात में शिकार करने निकलता है और दिन में ये पेड़ पौधों में छुपा रहता है। मेरी मानो तो मैं ये नहीं चाहूंगा आप में से किसी का भी इनके साथ जिंदगी में कभी मुलाकात हो। केई किलरडे। साइंटिस्ट को इस क्रिएचर के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है क्योंकि ये ज्यादातर टाइम मिट्टी के अंदर रहता है, तो इनके ऊपर ज्यादा रिसर्च कर पाना संभव नहीं हो पाया है। जो लोग इन्हें देख पाते हैं उनमें से कुछ लोगों का कहना है कि ये एक सांप है, और कुछ लोग इसे मिट्टी में रहने वाली कीड़े समझते हैं। साइंटिस्ट द्वारा किए गए एक रिसर्च से पता चला है कि किलेडिया जमीन पे छोटे छोटे गड्ढे खोदकर उनमें मिट्टी भर देता है और गड्ढे के आखिर में एक बड़ा सा पत्थर रख देता है। पहले तो साइंटिस्टों को ये लगा कि ये पत्थर दूसरे एनिमल्स या क्रिएचर को रोकने के लिए रखा गया है, लेकिन रिसर्च के बाद ये आखिर गलत साबित हुआ, और बाद में जो पता चला उसे जानकर रिसर्चर्स भी हैरान हो गए थे। ये छोटे छोटे जीव एक साथ इतने बड़े पत्थरों को हिला सकता है जो एक बोआ कॉन्स्ट्रिक्टर जैसा बड़ा सांप भी हिला नहीं सकता। शायद ये सुन के आप भी मेरी तरह हैरान हो गए होंगे कि ये इतने छोटे जीव इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है। और लास्ट वाला क्रिएचर जिसका आप सभी को इंतजार था, इसका नाम है हॉर्न लिजर्ड। ये लिजर्ड उतना डरावना तो नहीं है, लेकिन हम इसके अटैक करने के तरीके का जितना तारीफ करें उतना कम है। ये लिजर्ड अपने आप को बचाने के लिए अपने आँख से एक लिक्विड छोड़ता है, वो भी गन से निकलते हुए एक बुलेट की तरह, जो कि सीधा अपने निशाने को टारगेट करता है। वीडियो में आपको दिख ही रहा है कि इस छोटे से लिजर्ड के पास अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ये वाकई में एक कमाल का हथियार साबित हो रहा है। और इस हॉर्न लिजर्ड का शरीर कुछ सॉलिड या टफ मटेरियल से बना हुआ होता है जिसके कारण ये और भी ज्यादा खतरनाक दिखता है। तो इन सारे क्रिएचर में से
आपको कौन सा क्रीचर सबसे अच्छा और खतरनाक लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।